जनपद चित्रकूट की पहाड़ी पुलिस कहते हैं कि पुलिस जहां अपनी दबंगता के लिए मशहूर है, आज कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन के समय में ग्रामीणों व असहाय वृद्धों के लिए पुलिस मसीहा बनकर खड़ी है। कोरोना वायरस के चलते हुए देशव्यापी लॉकडाउन के पांचवें दिन जनपद के थाना प्रभारी सुरेश चंद शर्मा अपने थाना पुलिस स्टाफ के सहयोग से थाने में भोजन सामग्री पैकेज बनाकर गरीबों, वृद्ध, असहाय मजदूरों, ग्रामीणों को पैकेज सोशल डिस्टेंस बनाते हुए वितरण किए। इस अवसर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहाड़ी प्रभारी डॉक्टर विपिन सिंह एवं पत्रकार दिनेश सिंह कुशवाहा से मिलकर उन्होंने कहा, इस दुख की घड़ी में पुलिस प्रशासन समाज के साथ खड़ा है तथा ग्रामीणों की हर समस्या का निदान करने के लिए पुलिस हर संभव प्रयासरत है। उन्होंने ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी रघु विपिन से भी कहा, अन्य प्रदेशों से आने वाले व्यक्तियों की सूचना के लिए मुझे कुछ बताएं, मैं गांव गांव जाकर किस प्रकार से जानकारी प्राप्त कर सकूं व मैं उन लोगों से कह सकूं कि वे मुझे सूची पुलिस प्रशासन को उपलब्ध कराएं। संवाददाता चित्रकूट दिनेश सिंह कुशवाहा। तो उसे एडवाइस वहाँ पर जिले जिला अस्पताल के लिए नहीं करते क्या? नहीं नहीं जब तक उसके लक्षण नहीं मिलेंगे तब तक अस्पताल के लिए क्या इलाज कर क्या करते हैं? उसका होना चाहिए छोटी सी मिनी टीम को कम से कम प्रारंभिक लक्षण का पूरा। तो हमारे पास टीमें तो बनी हुई है, हमारी टीमें तो बहुत टीमें जा रहे हैं। अभी अभी गई है पनौटी। हाँ पनौटी पनौटी में नहीं, अब रात से बृहद संख्या में आ रहे हैं, इतना जो पलायन करके आ रहे हैं गाजियाबाद और दिल्ली से क्षेत्र से बहुत ज़्यादा, जो हरियाणा के बॉर्डर है, दिल्ली बॉर्डर है, कहने का मतलब NCR से जो भी हमारे पास देखिए इतनी तो टीम हम नहीं बना सकते कि हर गांव में हम भेज सकते, क्योंकि इससे हम अपना डॉक्टर है ना, इसके पास हमारा गाड़ियाँ जितनी हमारे पास गाड़ियाँ हैं, दो तीन गाड़ियाँ उनमें कर रहे हैं। अच्छा संख्या कहाँ से मिल रही है? कहाँ से आया? नहीं, हमारे पास कोई लिस्ट है।